एक बहुत ही ज्यादा यमी सा ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ। तो ये है चीज, मोजरेला चीज है, और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा प्याज और थोड़ी सी हरी मिर्च इसको चॉप करके डाल दिया है, मिक्स कर दूंगी साथ में। और इसके अंदर कोई मसाले वगैरह नहीं जाएंगे, सिर्फ जो प्लेन सॉल्ट होता है वो डाल लूंगी मैं, और पेपर और सीजनिंग जो होती है वो डाल दूंगी मैं। और साथ में ये पिज्जा सॉस रखा हुआ है, आप जो देख रहे हो ब्लू कैप वाली बॉटल में, वो यूज करूंगी। सो ये सब यूज करके मैं ये रात की बची हुई जो रोटी है ना, उससे बहुत ही अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। बहुत ही अच्छा लगेगा, इवनिंग स्नैक्स में चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है। सो आप भी ये जरूर ट्राई करना। कभी होता है ना लंच में हम एक्स्ट्रा रोटी बना लें या बच जाती है, तो आप इवनिंग में बच्चों को दे सकते हो, खुद भी खा सकते हो, या जैसे मैं सुबह ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ तो आप ऐसा भी बना सकते हो, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। सो यहाँ पर मैं ये पिज्जा सॉस यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास पिज्जा सॉस नहीं है तो आप टोमेटो सॉस यूज कर सकते हो, चिली सॉस यूज कर सकते हो, चटनी यूज कर सकते हो, मतलब जो भी आपका टेस्ट हो उसके बेसिस पे। मुझे टोमेटो सॉस इतना पसंद नहीं है, बट मैं ये वाला सॉस जो है पिज्जा सॉस, ये मुझे थोड़ा सा बेटर लगता है। सो मैं इसको इस पर अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी, बहुत ज्यादा मुझे नहीं पसंद है, तो मैं हल्का हल्का दोनों पे ऐड कर लूंगी। और उसके बाद मैं ये सारा जो भी चीज और प्याज वगैरह बनाया, इसके अंदर आप कैप्सिकम, कॉर्न, जो भी वेजीज आप चाहो तो वो भी ऐड कर सकते हो। फिलहाल मैं सिर्फ प्याज के साथ में इसको बना रही हूँ। इसको मैं अच्छे से स्प्रेड कर लूंगी। और एक साइड में मैंने जो तवा है ना उसको प्रीहीट करने के लिए रख दिया है, मतलब जस्ट जब तक मैं ये सब कर रही हूँ तब तक उसे ढक करके मैंने रख दिया, ताकि उसके जो तवे में एक अच्छे से हीट आ जाए और ये जो मेरा रोटी है वो अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाए और जो चीज़ है वो भी मेल्ट हो जाए। तो इन सब चीज़ों के लिए प्रीहीट करना बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पर मैंने दोनों सीजनिंग ऐड कर ली। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल लाल मिर्ची भी ऐड कर सकते हो, ब्लैक पेपर यूज़ कर सकते हो। सो इट्स ऑल अप टू यू। एक बेसिक मेथड मैं आपको सिर्फ बता दे रही हूँ, और आप ध्यान से रखिए, क्योंकि बची हुई रोटियाँ जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा थोड़ी सी सूखी सूखी सी होती हैं। सो आप देखिएगा कि टूटे नहीं, आप दोनों हाथों से अच्छे से इसको पकड़ करके और तवे पे रखिएगा, और मैं इस तरीके से इस पर रख के और थोड़ा हाथ से दबा दे रही हूँ, ताकि चीज़ वगैरह जो भी है वो रोटियों पे चिपक जाए और दोनों रोटियाँ आपस में चिपकी हुई जैसे सैंडविच होता है ना, उस तरीके से हो जाए। सो इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको रख दे रही हूँ, और ढक करके मैं इसे धीमी, एकदम धीमी आंच पे मैं इसे रख दूंगी करीब 3-4 मिनट के लिए। और उसके बाद मैंने फिर ओपन कर लिया, और मैं ऊपर की तरफ, ऊपर भी जो रोटी वो गर्म हो गई हुई, तो ब्रेड जो हमारा बटर है वो अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा। और आप बस, मैंने आपको बताया ना, इसको फ्लिप करते टाइम, इसको वहाँ पर तवे पर रखते टाइम आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो रोटी होती है ना वो एकदम सॉफ्ट वैसी नहीं होती है, तो टूटने का डर रहता है, तो आप उस चीज़ को आप ध्यान रखें। इसलिए मैंने चौड़े वाले स्पैचुला से इसको फ्लिप किया धीरे से, और ये सारे प्रोसेस में आपको मतलब करीब 8-10 मिनट लग जाएंगे धीमे धीमे आंच पे आप इसको क्रिस्पी करके आप बनाएंगे तो। सो मैं इस तरीके से फ्लिप कर करके बना रही हूँ। तो सब कुछ इसमें कुक्ड है, कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कुक करना है, जस्ट आपको क्रिस्पी करना है और चीज़ को मेल्ट करना है। इसलिए आप इसको इनिशियली ढक करके ही पकाएं, सो दैट की जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। आप इसके अंदर विनेगर भी ऐड कर सकते हो, तो आपको थोड़ा सा फ्रैंकी सैंडविच और पिज़्ज़ा, इन सब का एक समझ लो मिक्स है ये वाली डिश, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। और इसको मैं चाय के साथ में लूँगी, आरव और मैं खाएंगे। सो ये 4 पीस मतलब 2 रोटी है, तो ब्रेकफास्ट के लिए सफिशेंट होगी। तो ये हमारा नाश्ता था। चलो मैं इसकी प्लेटिंग करती हूँ और आप इसको इंजॉय करो। ये देखने में भी सुंदर लग रहा है, और ये सब कुछ एकदम अच्छे से मेल्ट हो गया चीज़, तो ये रोटी दोनों आपस में चिपक गई हैं। खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, और आप इसमें चाहो ना तो अंदर आप आलू भी बॉईल करके आप आलू भी स्प्रेड कर सकते हो, बट वो सब चीज़ें जो होती है ना फुर्सत की है, ये तो मैं जस्ट जुगाड़ के लिए गई थी, तो फटाफट से बस मैंने एक प्याज चॉप किया और ये डिश 10 मिनट में मैंने बना ली। सो शॉर्टकट है, उसके बाद आप अपने वेरिएशन इसमें मतलब ऑलवेज आप ट्राई कर ही सकते हो। तो बची हुई रोटियों से आप ये बना सकते हो, और अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती है तो आप एक्स्ट्रा रोटी बनाओ और उसको बचाओ क्योंकि गर्म रोटी में इसका वो मज़ा नहीं आएगा, मतलब सुबह की रोटी आप शाम को बना के खाओ, सो उसमें ही इसका जो टेस्ट है वो आता है। सो ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रहा है, मुझे देख के मन कर रहा है मैं अभी बना लूँ। और ये मेरी चाय जो है वो बॉयल हो रही है, बस अब चाय और नाश्ता हम खाएंगे। और ये मैंने चाय और जो मेरा स्नैक्स है वो, और साथ में मैंने थोड़ा सा खाखरा रख लिया है क्योंकि मुझे खाखरा भी बहुत पसंद है चाय के साथ, तो ये मेरी ब्रेकफास्ट प्लेट है।
तो गाइस अभी हो गया इवनिंग और इवनिंग में हम लोग जा रहे हैं आरव को लेके गार्डन। यहाँ पर हमारी कम्युनिटी में ही गार्डन है, सो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। वहाँ पर आरव को थोड़ा सा खिलाएंगे और पास में ही वहाँ पर शॉपिंग सेंटर है, तो वहाँ से कुछ फ्रूट्स वगैरह परचेज करेंगे और ये सब करके आएंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कार से क्योंकि सामान भी है, नहीं तो बाइक से जाते। तो चलो वहीं पर मिलते हैं। कहाँ जा रहे हो? गार्डन। क्या करोगे वहाँ पर? गार्डन में क्या होता है? कहाँ पे बैठोगे? कौन से दो पे? तो अब हम लोग पार्क से आ चुके थे और शाम की भी जो चाय वगैरह थी वो हमने पी ली थी। और अब मैं बनाने की तैयारी कर रही हूँ पाव भाजी। और ये यहाँ पर मैं ब्रोकली लाई थी, तो ब्रोकली तो यूज़ हो गई थी, उसकी जो स्टेम्स थे वो मैं यूज़ करूँगी एज अ गोभी, क्योंकि गोभी तो है नहीं मेरे पास। और ये स्टेम्स बहुत ही अच्छी लगती हैं और इसको ऐसे वेस्ट तो नहीं कर सकते, सो मैं इसको इस तरीके से यूज़ करूँगी। और टमाटर, आलू, एक कैप्सिकम है मेरे पास और एक गाजर है, इन सबको मैं अच्छे से चॉप करके और एक बॉयल करूँगी और उसके बाद मैं आगे की प्रोसेसिंग करूँगी। तो ये सारी सब्जियों को, मैं आपको तीन टमाटर जो दिख रहे हैं उनमें से एक टमाटर को मैं बॉईल करूंगी और दो टमाटर को मैं तड़के के टाइम पे यूज़ करूंगी। और कैप्सिकम भी जो है वो तड़के पे ही जाएगा, क्योंकि कैप्सिकम मुझे बिल्कुल भी बॉइल्ड वाला पसंद नहीं है, उसमें उसका कलर भी अच्छा नहीं लगता है और टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता है। और कैप्सिकम को जब आप काटें ना तो आप ध्यान रखें कि आप उसमें बीज जो है उसके वो रिमूव कर दें, सीड्स को रिमूव कर दें, उसके बाद उसको बारीक चॉप करके तड़के में यूज़ करें। तो यहाँ पर आलू को मैं तीन आलू छोटे छोटे लिए हैं, उन सबको बारीक काटूंगी। गाजर को भी बारीक बारीक काट लूंगी, जितना छोटा वगैरह काट सकते हो। अल्टीमेटली मैश होना है तो आप रफली चॉप कर लो, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करने की ज़रूरत है। और उसके बाद मैं जो आप कुकर देख रहे हो ना, इस कुकर में ही इसको बॉईल करूंगी। और बॉईल करने से पहले मैं थोड़ा सा बटर में पाव भाजी मसाला सिर्फ हाफ चम्मच जितना डाल के, और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा जस्ट एक स्टर दे के एक बार बस मिक्स कर दूंगी। और उसके बाद मैं इसमें पानी डाल के इसको स्टीम करूंगी। पानी बहुत ज़्यादा आपको नहीं डालना है, जस्ट इतना आपको डालना है कि जो सब्जियाँ आप डाल रहे हो उसको आप वो उसमें डूब जाए, उसके बाद उतना ही। एक्चुअली वो जो क्लिप है मेरी वो पता नहीं कैसे डिलीट हो गई, वो नहीं इसमें ऐड हो पा रही है, सो मैं आपको ओरली सब बता दे रही हूँ। बहुत ईजी है, अगर आप चाहें तो आप प्लेन भी इसको उबाल सकते हैं, लेकिन पानी की क्वांटिटी बहुत ही कम रखिएगा। तो जब तक सब्जियां बॉईल हो रही हैं मैं इस कैप्सिकम को सीड्स रिमूव करके चॉप कर लूंगी। और अब मेरी सब्जियां बॉईल हो चुकी हैं और मैं कढ़ाई मैंने यूज़ कर रही हूँ मैं सब्जी को छौंकने के लिए, भाजी को मतलब बेसिकली तड़का देने के लिए। सो बटर में बनाऊंगी। मैंने प्याज यहाँ पर बारीक चॉप, दो मीडियम साइज के प्याज को मैंने अच्छे से चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है। और अब मैं पैन में जो मेरी कढ़ाई है उसके अंदर एक अच्छा अमाउंट में बटर डालूंगी, क्योंकि पूरी जो भाजी है मैं बटर में बनाऊंगी। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है बटर का फ्लेवर और टेस्ट। सो जब तक ये बटर मेल्ट मैं थोड़ा सा कर लूंगी, बहुत ज़्यादा आप ध्यान रखो कि पूरा मेल्ट होने तक आप करोगे ना तो बटर जल जाएगा, उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। सो आप देखो हाफ डन हो गया। और अब मैं इसके अंदर ये जो प्याज है ये मैं डाल दूंगी। इसके अंदर कोई जीरा हींग वगैरह मैं नहीं डालूंगी, क्योंकि भाजी में वो इतना अच्छा नहीं फ्लेवर देता है। सो यहाँ पे प्याज डाल के प्याज भूनूंगी, और प्याज भूनने का मतलब उसको पूरा लाल करना नहीं है, जस्ट उसके अंदर जो मॉइस्चर है उसको हल्का सा रिमूव करके पिंकिश कलर जो होता है ना प्याज का वो आने लगेगा। तब तक मैं इसको थोड़ा सा ऐसे चलाऊंगी, और उसके बाद मैं इसमें टमाटर और जो कैप्सिकम है उसको मैं एक साथ में डालूंगी।
लेकिन उससे पहले मैं जो अदरक है ना वो भी इसके अंदर कढ़ाई में डाल लूंगी। तो अब आप देख सकते हो कि प्याज जो है वो थोड़ा सा उन्होंने अपना कलर चेंज कर दिया है, बहुत ज्यादा मुझे इनको जलाना या फिर बहुत ज्यादा भूनना नहीं है। और अब मैं इसके अंदर ये अदरक का पेस्ट डाल लो आप, या फिर मैं जो अदरक घिस करके डालती हूँ तो ये मैं अदरक घिस करके डालूंगी। और साथ में मैं पाव भाजी के साथ में भी थोड़ी सी चाय बनाऊंगी, इसलिए मैंने आधी अदरक इसमें डाल दी है, बाकी की अदरक जो है वो मैं चाय के अंदर डालूंगी। और ये हो गया, अब मैं इसके अंदर ये जो टमाटर और कैप्सिकम को भी मैंने साथ में ही चॉप कर लिया था। तो जो कैप्सिकम है ना वो आपको ऐसे दिख रहा होगा कि बहुत टेस्टी हो गया, बट ऐसा है नहीं, बहुत ही अच्छा उसमें क्रंच है। सो बहुत ही बारीक सी इसके अंदर चॉप हो गई है। तो प्याज जो है वो आप देख सकते हो काफी अच्छे से भुन गए हैं जितनी मुझे रिक्वायरमेंट है। और अब मैंने इसमें टमाटर और कैप्सिकम का जो चॉप किया था मैंने, वो मैं इसके अंदर डाल के और अच्छे से आपको भूनना है। ये थोड़ा ज्यादा देर तक आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको भूनने में। और जब साइड से बटर क्योंकि हम यूज कर रहे हैं ना, तो इसके अंदर आप ऐसा एक्सपेक्ट मत करना कि जैसे सब ग्रेवीज में जो हम सब्जी में तेल साइड से आने लगता है, वैसे इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये जो हम भाजी बना रहे हैं बटर में बना रहे हैं। बट आपको जो मसाला है ना वो कढ़ाई छोड़ता हुआ सा दिखेगा, ड्राई सा होने लगेगा। सो मतलब है कि ये जो प्याज टमाटर कैप्सिकम है अच्छे से भुन गए हैं। और साइड बाई साइड मैं ये मैशर की हेल्प से जो मैंने बॉइल की थी सब्जियां उनको अच्छे से मैश कर लूंगी। तो ये यहाँ पर आप कर लो तो बहुत ही इजी हो जाता है। और पानी आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा नहीं है, आप इसे थोड़ा सा कम भी रख सकते हो, ये आपका टोटली मतलब आपका असेसमेंट है कैसे आपको करना, कितना पानी आप डालना है। बहुत ज्यादा पानी डालोगे ना तो अच्छे से मैश नहीं कर पाओगे, बस वही एक रिस्ट्रिक्शन है। बाद में तो आपको पानी ऐड करना ही है, लेकिन बॉयल करते टाइम अगर आप थोड़ा पानी रखोगे ना तो भाजी को अच्छे से मैश कर पाओगे। ये आप देख सकते हो कि मैंने मैश कर लिया, तो इसकी कंसिस्टेंसी कितना गाढ़ा हो गया, क्योंकि इसके अंदर मैंने आलू भी डाला था ना, तो और ये एकदम ही पेस्ट ही नहीं बनाया मैंने, जस्ट मैशर से मैश किया है। सो इसके अंदर क्रंच भी है और ये थोड़ा सा मैश्ड भी है। सो इसी तरीके से आपको रखना है। और ये भाजी का जो तड़का है उसको अच्छे से बीच बीच में चलाते रहना है, ताकि कढ़ाई को पकड़े नहीं, जले नहीं, और अच्छे से इक्वली हर इसका जो पार्टिकल है ना वो अच्छे से भुन जाए, अच्छे से फ्लेवर्स को ले लिया। अब मैं इसके अंदर सॉल्ट डालूंगी और पाव भाजी मसाला डालूंगी। थोड़ा सा मैं इसमें लाल मिर्ची पाउडर भी डाल रही हूँ। अगर आप तीखा नहीं पसंद करते हो तो आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि पाव भाजी मसाला जो है उसके अंदर भी थोड़ी मिर्ची होती है, बट वो बहुत ही थोड़ी होती है। सो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा जो लाल मिर्ची है वो ऐड की। और इसमें मैंने ये पूरे इसमें मैंने हरी मिर्ची का यूज नहीं किया है, सो ये बहुत ज्यादा तीखी नहीं बनेगी। और अब आप देख सकते हो कि जो कढ़ाई में जो मसाला है ना ये ड्राई होने लगा है और कढ़ाई को छोड़ने लगा है। सो मेरा ऐसा मानना है कि जब ये मसाला छोड़ने लगता है तो मसाला भुन चुका है। और बहुत ज्यादा आपको साइड से तेल नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने इसमें तेल नहीं ऐड किया है। थोड़ा सा इस मसाले को इस तरीके से भून के और मैं सब्जी जो बॉइल्ड है उसको इसमें ऐड कर दूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा भूनने से जो पाव भाजी का मसाला है ना वो जल सकता है। तो अब ये मैंने इसमें डाल दिया है और इसको मैं ऐसे ही थोड़ा एक बॉयल आने तक मिक्स करूंगी। और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी अपनी चॉइस के हिसाब से आप ऐड कर सकते हो, ये इस स्टेज पे भी आप इसको खा सकते हो इतनी मतलब कंसिस्टेंसी के साथ। लेकिन थोड़ा सा पानी ऐड करने से क्या होता है, जैसे जैसे भाजी ठंडी होती है वैसे वैसे वो गाढ़ी भी होती है। और पाव के साथ मतलब बहुत ज्यादा ड्राई होगी ना सब्जी ये भाजी, तो वो पाव में लगेगी नहीं। तो अभी मैंने क्या किया है कि ये जो बैटर है इसको कुकर में ही ट्रांसफर कर दिया है, और अब इस कुकर में ही आराम से धीमी धीमी आंच पे पकती रहेगी। साइड में आपको दिख रहा होगा कि मैंने ये बटर निकाल लिया है, ये बटर जो है ये गार्लिक बटर है। अगर आपको इसकी रेसिपी नहीं पता है तो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी एक ब्लॉग शेयर किया है जिसके अंदर मैंने गार्लिक ब्रेड बनाई थी, तो मैं किस तरीके से गार्लिक बटर बनाती हूँ आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। सो ये गार्लिक बटर मैं इसमें यूज़ करूँगी। थोड़ा सा मैं इस बटर के अंदर ही थोड़ा सा मैं इसमें पाव भाजी मसाला भी ऐड कर दूंगी जब मैं पाव सेकूंगी तब। तो ये चाय जो है वो मैंने चढ़ा दी एक तरफ, मैं भी गैस ऑन करूंगी। लेकिन आप देख सकते हो कि भाजी बहुत अच्छे से बॉयल हो रही है और ड्राई भी हो रही है, मतलब जितनी कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए वो हो रही है। और साइड में मेरा ये जो बटर है पाव भाजी पाव बनाने के लिए उसका पूरा अच्छे से रेडी हो गया है। मैंने यहाँ पे कच्चा प्याज भी काट लिया है, क्योंकि पाव भाजी के साथ में हमको सैलड चाहिए होता है प्याज का, सो वो। और अब मेरी भाजी ऑलमोस्ट रेडी है, इसको आप बटर के साथ सर्व कीजिए बहुत ही अच्छी लगती है। सो मैंने गैस ऑफ कर दी है और भाजी रेडी हो गई। अब मैं एक तरफ चाय का जो बर्नर है उसको ऑन कर लूंगी, और ये धनिया तो डालना मस्ट है, आपको भी बताइए कि कितना अच्छा लगता है धनिया का कलर, धनिया का खुशबू और फ्लेवर सब कुछ बहुत ही अच्छा लगता है। सो बस ये मेरी भाजी रेडी हो चुकी है और अब मैं पाव सेकने आ चुकी हूँ। सो पाव को बीच में मैं कट कर दूंगी, और ये फ्रेश पाव मतलब लेकर आए थे हम लोग, एक्चुअली फ्रेश पाव हमें मिल गया था, इस वजह से हमारा पाव भाजी बनाने का प्लान बन गया, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये वाला पाव बहुत अच्छे लगते हैं, एकदम फ्रेश मतलब बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्वीट सा इसका फ्लेवर रहता है, बहुत ही अच्छे लगते हैं हमारे पाव।
सो एक तरफ हमारी चाय बन रही है, उसमें अदरक वदरक सब डाल दी है, और दूसरी तरफ मैं ये फटाफट से पाव जो है वो सेक लूंगी। जो मैंने बटर, आप ये वाला बटर रेडी करके आप ऐसे भी रख सकते हो, ब्रेड वगैरह किसी में भी यूज कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा बहुत ही अच्छा लगता है। ये मेरी पाव भाजी की प्लेट रेडी हो चुकी है। आप पाव देख सकते हो कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं, और भाजी में बटर डाल के खाने का स्वाद ही बहुत अलग है। और उसके बाद प्याज साइड में, और ये है हमारी चाय लेजी डे कप में, और अब हम लोग एंजॉय करेंगे पाव भाजी को। और आई होप कि ये व्लॉग आप लोगों को भी पसंद आया होगा, आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। और अब हम आ चुके हैं इस व्लॉग के एंड में। तो दोस्तों, अगर ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।